माता जी, ओम साईं काल का। जैसे कि सब लोगों को विदित है, सिद्धपीठ से साईं काल का मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कि अब समापन कार्य पर है। तो सब बच्चों से अनुरोध है कि मंदिर सेवा निर्माण कार्य में जल्दी से जल्दी करें। जय माता दी, ओम साईं। दोनों में संकट है और दोनों ने इलाज भी कराया हुआ कहीं पे पहले, लेकिन इनके संकट कटे नहीं है। तो भाई इनके घर वालों को बता देना। बाबू तेरे वो हो गए थे, गोले हो गए थे ना तेरे? हाँ ठीक है, चलो भाई उठो, बच्चे में आ जाओ। इस बच्चे के साथ कौन आया? मम्मी आई है। जब लाके ला, चलो बाबू उठो दोनों। हाँ बेटा, आप बोल रहे थे कि घर में बहुत जोर से चीखे मारता है, ये आप लोगों को बेवकूफ बनाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ बैठ जाओ। आप देख लो कितने झटके आ रहे हैं, अभी तक तो एक भी झटका नहीं आया। लाडो वहीं बैठो अपनी जगह, भैया इधर बैठ जाओ। अभी तक एक भी झटका नहीं आया बेटा, इधर बैठ जाओ। अगर कोई चीज होती बेटा तो अब मम्मी खींच के ले आती है हमारी, और गली से ही आते हैं लोग कूदते हुए। ठीक है, चलाओ भाई। पता नहीं है, लेकिन शरीर में दर्द रहती है और झूमती रहती है, यही बात है ना, मन करता है नाचने का। माँ भगवती चलती है बेटा तेरे ऊपर, लेकिन खुली नहीं है। ये वाली करो, तेरे सामने ही करा, इसने ये नहीं करता हमारे सामने, अभी नहीं करा इसने, कितनी देर से खिलवा रही हूँ यहाँ पे, ये तुम्हारे सामने जानबूझ के करता है। जानबूझ के करता है बेटा। तुम सब यहाँ कितनी देर से बैठे हो भाई? एक बार भी किया इसने? इसके आते ही किया ना जी। वो जी आप इसको ध्यान दो, टेस्ट कराओ कि सर्वाइकल वगैरह ना, कि बेफालतू मूत्र के चक्कर में मत पड़ गए। ठीक है, चलो बेटा आपको जो बता रही हूँ ये करो। बाबू तूने इलाज करवाया अपना पहले? हाँ ये क्योंकि बाबू जी सही है तो चला हुआ है ये, तो ये उसके बाद से होना शुरू हुआ है। नहीं माँ, कभी बजरंग बली बन के नाच गए, कभी रात में वो कर रहे, कभी क्या। ये जब आप दरगाह पे गए थे उसके बाद शुरू हुआ है? दरगाह किसी ने तो हांडी रखवा दी। हाँ ठीक, पूजा भी की थी, लेकिन मैं खोल हमारे यहाँ जागरण हुआ था। बाबू जी ये सैयद है जो कि जिन रूप में चलते हैं ना सैयद, बाद में पूछ के सैयद बन जाते हैं, ये वो है बेटा जिनका इलाज करना पड़ेगा। बाकी आप देखो आप कहाँ जीव निकल जाती है बेटा जी, ये रूप लेता है भाई, फालतू की नौटंकी कर रहा है, ये चीज है, ये कटवानी पड़ेगी, आप कहीं भी इलाज करा सकते हो। बाबू तुम भजन कीर्तनों में जाती हो, करती भी हो कीर्तन भजन? जाती हो बेटा जी, माँ भगवती आई हुई है तुम्हारे ऊपर, तूने कभी किसी का मजाक उड़ाया है क्या? हाँ जैसे किसी पे हाजिरी आती है। कहां से बेटा जी, मैंने बता दिया कि ये आपने कोई चीज पूजी है उससे वहां से ये पहुंच, आपका मैंने बता दिया था, मैं उस बच्चे से बात करती हूँ, रुक जाओ बेटा। हाँ बाबू बेटा जी, ये तो यहाँ गलती से हो गया, या आपने कह दिया कर दिया, जो भी आपने बताया ये बता रही है कि भैया ये बच्ची के मुझसे गलती हुई है, उस रूप में मैं यहाँ बता रही हूँ, लेकिन मैं नुकसान में नहीं आई हूँ, मैं अच्छे में आई हूँ, उसका भला करने आई हूँ, क्योंकि बहुत परेशान थी, मेरे सामने रोया करती थी। हाँ तो ये जब आई है बेटा, और ये क्या कहते हैं काली आई है कलकत्ते वाली, हाँ उसी में तेरी शायद ज्यादा आस्था रही होगी। हाँ वही आई है बेटा, और माँ भगवती कह रही है कि मेरी सेवा मेरी पूजा नारियल भेंट मेरे को देगी, तो मैं साक्षात करूंगी और मैं लोगों का भला भी करूंगी। तो आपने बोला होगा उनको कुछ ऐसा, तो हाँ तो वो माँ भगवती कह रही है आप उनको नारियल भेंट दीजिए, और जितने शनिवार दे सकें उतने शनिवार या अमावस को दीजिए, वो खुली हो जाएंगी, प्रचंड हो जाएंगी, और फिर पर्चे भी देंगी। आप पे संकट है जी, आप कहीं भी कटवा सकते हैं। हाँ बाबू तू बता।